भारी बारिश के बाद रीवा में रहने वालों को बाढ़ की चिंता सताने लगती है। यदि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बारिश हो जाए तो लोगों को रात में चैन की नींद नहीं आती कि कब उनके घर तक पानी पहुंच जाए। इसमें शासन के द्वारा तैयारी का दावा तो किया जाता है, लेकिन बाढ़ का पानी जिस तरह से तबाही मचाता है, ऐसे में कागजी दावे बाढ़ के पानी में बह जाते हैं और तबाही का मंजर देखने को मिलता है। प्रशासन तैयारी की बात करता है, लेकिन आप जाकर देखें बीहर नदी के घाटों के किनारे घर बने हुए। ऐसे में बाढ़ में तबाही नहीं होगी तो क्या होगा। भूमाफियाओं द्वारा नदी के किनारे रिवर फ्रंट व्यू बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की जा रही। आखिर यह किसकी निगरानी में हो रहा है? क्या कलेक्टर के बिना अनुमति से यह सब हो रहा है? और बिना अनुमति से हो रहा है तो हटाया क्यों नहीं जा रहा है? और यदि परमिशन ली गई है तो फिर आपदा प्रबंधन और बाढ़ जैसे कागजी दावे के इंतजाम फिर कैसे हुए? दावे तो किए जाते हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त है, लेकिन फटे हुए नाले और घाट के किनारे बसने हुए घरों की कोई व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे में बाढ़ की संभावना ज़्यादा हो जाती है। खैर, रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने दावा किया है कि उनकी व्यवस्था पूरी है। देवथर और रीवा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां रीवा शहर में बाढ़ आने के बाद उनसे निपटने की व्यवस्था की गई है। हालांकि जब तक प्रशासन नदियों के किनारे से अतिक्रमण नहीं हटाएगा, भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो कागजी दावे कितने भी क्यों ना हो जाए, लेकिन बाढ़ से तबाही नहीं रुकेगी। आप भी सुनिए आपदा प्रबंधन को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या जानकारी दी। बैठक हुई थी, बरसात का मौसम चल रहा है, बाढ़ की स्थिति निर्मित ना हो जिले भर में और शहर में। आपदा प्रबंधन को लेकर के जो अपने यहाँ तैयारी है और पूर्व के वर्षों की जो हिस्ट्री है वो अगर हम लोग देखें तो अपने यहाँ शहरी क्षेत्र जो है रीवा नगर निगम का जो क्षेत्र है वो वल्नरेबल है, और इसी प्रकार से अपना त्योंथर का जो एरिया है वो अपने लिए एक मेजर कंसर्न का रहता है। हालांकि इसके अलावा भी जितने अपने नगरीय क्षेत्र हैं, जो अन्य सभी नगरीय निकाय हैं, उनको भी ये निर्देशित किया गया था कि उन्होंने समय रहते अपने नदी नालों की सफाई कराई है, नालों में खासकर जो सफाइयाँ हुई हैं। इसके अलावा जो मुख्य व्यवस्था है वो हम लोगों ने रीवा शहर के लिए और त्योंथर के लिए रखी है। त्योंथर में जो बाढ़ का रीज़न है वो कई बारी मिर्ज़ापुर में अपने जो छोटे बांध हैं उनमें जब एकदम से पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, पानी का क्वांटम बहुत बढ़ जाता है, तब बाढ़ आती है। तो उसको भी उसके लिए एक व्यापक सूचना तंत्र बनाया गया है। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें दोनों तरफ के अधिकारी जुड़े हुए हैं, और इसी के लिए हम लोगों ने कि ये सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो रेगुलर रहे और उसमें कोई दिक्कत ना आए, सब लोग एक दूसरे से परिचित रहें। तो इसकी एक क्रॉस बॉर्डर मीटिंग भी हो चुकी है और वहाँ पर अलग से होमगार्ड की और जो बाकी टीम्स हैं उनकी हम लोगों ने अलग से ही एक पॉइंट रखा हुआ है, क्योंकि जिला मुख्यालय से त्योंथर की दूरी भी है और अगर ऐसी कोई व्यवस्था ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर सके, इसके लिए त्योंथर में अलग व्यवस्था बनाई गई है। जो नगरीय क्षेत्र है अपना, इसमें सभी जगह नालों की सफाई हुई है। अपने यहाँ रिवर की वजह से, बैकफ्लो की वजह से बाढ़ की स्थिति कुछ बाढ़ में बनती है जो अपने लो लाइन बाढ़ हैं, तो उन बाढ़ों को चिन्हित किया जा चुका है, उनके लोग कहाँ शिफ्ट होंगे इस बात की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ऐसी किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियाँ पूरी हैं। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमिनेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है, इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइने हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752547264 या फिर 8391379964। हमारा टेलीफोन नंबर है 076-62-40-70-64।